संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और उत्तराखंड राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद के संयुक्त तत्वाधान में गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के चौरास परिसर में 7 दिवसीय विज्ञान महोत्सव का शुभारंभ हो गया। आयोजित कार्यक्रम में विज्ञान के छात्रों के लिए कई प्रतियोगिताएं और लेक्चर रखे गए हैं। बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के उद्देश्य से आयोजित महोत्सव में पहले दिन विज्ञान पुस्तक प्रदर्शनी और क्विज आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं। उसमें शिक्षा में इन चीज़ों का पुट होना बहुत ज़रूरी है और बच्चों को कमरे से बाहर निकाल करके मौलिक ज्ञान की तरफ, मौलिक सोच की तरफ हमें ले जाना है। आज कई डॉक्टर निकल रहे हैं यूनिवर्सिटीज से, लेकिन उन डॉक्टरों का ज्ञान, उनका जो शोध है वो केवल कंप्यूटरों से निकल कर के आ रहा है, लेकिन प्रकृति में जा कर के जो शोध करना है, क्या हो रहा है, क्या बदलाव, हिमालय को कैसे हम टूटने से रोक सकते हैं, जंगलों को कैसे हम बर्बाद होने से रोक सकते हैं, पानी के स्रोतों को हम कैसे विकसित कर सकते हैं, ये तभी तो होगा जब वो फील्ड में जाएगा, जब वो गांव की तरफ जाएगा, जब वो जंगल की तरफ जाएगा, जब हिमालय की तरफ जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा है कि कांग्रेस और उसके नेताओं में सेना और संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करने की होड़ लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की तरफ से इंटरनेट मीडिया में जारी वीडियो भी इसी का हिस्सा है। बलबीर रोड स्थित पार्टी मुख्यालय में बुधवार को मीडिया से बातचीत में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि राजनीतिक द्वेष के चलते ही कांग्रेस के शीर्ष नेता ने सैनिकों के डाक मतपत्रों का फर्जी वीडियो जारी किया है। बिना किसी पुख्ता प्रमाण और जांच के इतने वरिष्ठ नेता का सैनिकों के मतदान को लेकर चुनाव की गोपनीय प्रक्रिया का वीडियो वायरल करना सेना का अपमान है। किस पार्टी को अपनी सेना के जवानों पर विश्वास नहीं, पुलिस के जवानों पर विश्वास नहीं, कर्मचारियों पर विश्वास नहीं, वो राजनीतिक दल को अपना अंतर आत्मा से विचार करना चाहिए कि वो कहाँ खड़ा है।